साथियों नमस्कार, मैं पुण्य प्रताप सेन आज आपके सामने CDP में संज्ञानात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तथा इससे संबंधित प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों देखें संज्ञानात्मक विकास। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब कि हमारी मानसिक क्रियाओं का विकास, जो बालक के अंदर मानसिक क्रियाएं होती हैं उनका संपूर्ण विकास ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास से आप समझ गए ना, मतलब मानसिक, जो बालक के अंदर सभी मानसिक क्रियाएं चलती हैं उसी के विकास को ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। प्रमुख मानसिक क्रियाएं निम्नलिखित हैं, जो बालक के अंदर मानसिक क्रियाएं चलती हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कल्पना करना। कल्पना अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पना करना किसके द्वारा संभव है, तो कहानी के द्वारा। इसलिए इसको दोस्तों याद रखना कि कहानी के द्वारा कल्पना करना संभव है। दूसरा, स्मरण करना मतलब याद करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना। ये खेल में अधिकतर ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे खेल में निर्णय लेना, समस्या का तुरंत समाधान करना, निर्णय लेना, प्रत्ययों का निर्माण करना। और ये तो कक्षा में भी चलता है, जैसे कक्षा कक्ष में सांकेतीकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, ये सब कक्षा कक्ष में चलता है, ये खेलों में चलता है। तो इनको याद रखना, वर्गीकरण की भावना, योजना बनाने की भावना, विवेचना, सर्जन या सृजन करना, तर्क करना, भाषाई विकास, वस्तु स्थायित्व, ये सब दोस्तों मानसिक क्रियाएँ हैं। तो इनको याद रखना। आगे चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जीन पियाजे ने, और दिया तो जेम ब्रूनर ने भी दिया था, लेकिन जो मुख्य रूप से दिया था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया था। तो जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड की मनोविज्ञानी थे, ये भी याद रखना। जीन पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास उसकी आयु के अनुसार चार अवस्थाओं में होता है। मतलब इन्होंने विकास की अलग अलग अवस्थाएँ बताएँ और उनके अलग अलग नाम बताए, जो इस प्रकार हैं। जैसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जे 2 से 7 वर्ष होती है। इसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। लास्ट अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक तक होती है। तो इन चार अवस्थाओं को आपको याद रखना है। इस औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जरूर याद करें, क्योंकि ये हमें चकमा देती है कि औपचारिक और अमूर्त, ठीक है ना, ये अधिकतर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो मैंने आपको कुछ पार्ट समझाया है और इसके आगे का पार्ट अगली वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।